नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर जो ईपीएफओ ने डेट दी थी एम्प्लॉयर को यानी कंपनी को जो डेट दी थी वो 31 दिसंबर 2023 समाप्त हो चुकी है और आज 1 जनवरी 2024 आ चुका है और ईपीएफओ की तरफ से अब कोई आगे फर्दर डेट देने की कोई भी बात सामने नहीं आई है, ना ईपीएफओ की तरफ से ना फिर लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी फर्दर कोई कम्युनिकेशन सामने नहीं आया है। तो अब ये मानकर चला जा सकता है कि फर्दर कोई डेट सामने नहीं आएगी और ईपीएफओ के पास में अभी तक जितना भी डेटा अवेलेबल हो गया है ईपीएफओ हायर पेंशन एप्लीकेंट्स को लेकर, उसके बेस पर ईपीएफओ अब जो है हायर पेंशन रिलीज करने लग जाएगा, डिमांड लेटर रिलीज करने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी सिलसिले में एक केस सामने निकल कर आया है जिसमें ईपीएफओ केरला ऑफिस ने एक पेंशनर को हायर पेंशन का डिमांड लेटर भी पीपीओ भी इशू कर दिया है और उसमें जो पेंशन पीपीओ में जो पेंशन हायर पेंशन उन्होंने मेंशन करी है वो प्रोरेटा बेस पे जो कैलकुलेट हो सकती थी उससे काफ़ी कम आई है। यानी कि इसमें लग रहा है कुछ पेंशन डिसबर्समेंट में कुछ ना कुछ सब्सटेंशियल रिडक्शन देखने को मिल रहा है। ये न्यूज़ आई है केरला ईपीएफओ ऑफिस की तरफ से। तो ये पूरा केस हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं, एक न्यूज़ में इन्होंने प्रकाशित किया है, तो आज इस वीडियो में हम उसी केस के ऊपर डिस्कस करेंगे किस तरह से पेंशन कितनी बननी चाहिए थी, हायर पेंशन कितनी बननी चाहिए थी, लेकिन कितनी पीपीओ में निकल कर आई है, ईपीएफओ केरला ने कितनी पेंशन पीपीओ में दर्शाई है कि अब उस पर्टिकुलर पेंशनर को इतनी हायर पेंशन मिलेगी, जबकि उन्होंने जो अमाउंट भरना था डिपॉजिट करवाना था वो भी उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट ईपीएफओ में डिपॉजिट करवाया था, लेकिन उसके बावजूद भी करीबन 5,500 का डिफरेंस निकल कर आ रहा है। तो पूरा केस हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, अंत तक आप ज़रूर देखिए। अगर आप हायर पेंशन में आपने अप्लाई किया है या आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए केस बिल्कुल भी लाइव केस है जो अभी ईपीएफओ ने रिलीज़ किया है केरला ऑफिस ने। तो यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग में न्यूज़ है, यहाँ पर देखिए कोझिकोड से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, although the long delayed disbursement of pension payment orders under the higher pension scheme has begun providing significant relief to beneficiaries, it has also raised concern over a substantial reduction in the pension amounts received by pensioner. यानी कि काफ़ी लंबे समय के बाद में जो पीपीओ रिलीज होने लगे हैं हायर पेंशन वो स्टार्ट हो चुके हैं, ये एक रिलीफ की बात है, लेकिन कुछ सब्सटेंशियल उसमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है काफ़ी पेंशनर के अमाउंट में, जो जो उन्होंने कैलकुलेट करके रखा था कि इतना पेंशन का अमाउंट उन्हें हायर पेंशन के रूप में मिलने वाला है, लेकिन जब पीपीओ रिलीज हुआ, लेटर आया पीपीओ ईपीओ ऑफिस की तरफ से, तो वो अमाउंट काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ बी आर चौहान ए रिटायरी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द रुपीज 18,161 इश्यूड अंडर द पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ बाय द रीजनल ऑफिस ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वॉज लोअर देन द इंटाइटल एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर गाइडलाइंस रुपीज 23,700। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि एक केस है बी आर चौहान का, जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रिटायर्ड हुए हैं, उनका जो पीपीओ रिलीज किया है ईपीएफओ ऑफिस ने, उसमें जो पेंशन हायर पेंशन उन्होंने दर्शाई है वो 18,161 है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके हिसाब से इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो अनटाइटल थे 23,700 की। तो यहाँ करीबन 5,500 का डिफरेंस आ रहा है। इट रिमेन्स अनक्लियर वेदर दिस शॉर्टफॉल इज अ रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन एरर और द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोरेटा प्रोपोर्शनेट पेंशन रूल। यानी कि यहाँ पर अभी तक क्लियर नहीं किया है ईपीएफओ ऑफिस ने कि ये कोई क्लरिकल कैलकुलेशन एरर था या फिर जो प्रोरेटा का रूल वो पेंशन का रूल वो फॉलो करते हैं उसके हिसाब से पेंशन कैलकुलेट हुई है। तो अभी तक ईपीओ ऑफिस ने इसको क्लियर नहीं किया है, हो सकता है आगे वो क्लियर करे, लेकिन एक खास बात है पीपीओ में इन्होंने कुछ भी नहीं क्लियर किया है कि किस तरह से ये पेंशन जो 18,161 कैलकुलेट हुई वो किस तरह से हुई है। आगे लिखते हैं, टॉकिंग टू मनोरमा चौहान सेड दैट द ईपीओ हैज नॉट प्रोवाइडेड हिम विथ ए डिटेल रिपोर्ट ऑन द पेंशन कैलकुलेशन ईयर। यानी कि अभी तक ईपीएफओ ऑफिस ने कोई डिटेल कैलकुलेशन नहीं बताई कि किस तरह से उनका हायर पेंशन कैलकुलेट हुआ है। अब आगे बताते हैं, मीनवाइल देयर आर वाइड स्प्रेड स्पेकुलेशन दैट द ईपीएफओ हेड ऑफिस सेंड एन ईमेल
accepting the calculation of the higher pension on pro rata basis. According to reports, a labor representative from the Coimbatore Journal Office within the Tamil Nadu EPF Original Committee received this response on December 8. यानी कि ये खबरें निकल के आ रही है कि EPFO हेड ऑफिस ने एक मेल सेंड किया है जिसमें हायर पेंशन प्रो रेटा बेसिस पे कैलकुलेशन करने का उन्होंने सभी EPFO ऑफिस को बताया है और ये सारे मेल जर्नल ऑफिसर्स को भी प्राप्त हुए हैं। आगे है द रिपोर्ट फर्दर स्टेट दैट ए रिक्वेस्ट वाज फॉरवर्डेड टू द हेड ऑफिस टू प्रोवाइड वेरियस मॉडल फॉर कैलकुलेटिंग द पेंशन यूजिंग दिस मेथड। However, there is currently no confirmation regarding any such communication being received by the EPFO offices in Kerala. यानी कि जितने भी offices हैं उन्होंने head office से एक कोई format मांगा है कि किस model मांगा है, किस तरह से calculation करना है, लेकिन EPFO head office अभी तक इस तरह का कोई भी model या example EPFO Kerala office के पास में नहीं आया है। अब ये जो केस है इसको हम बारीकी से समझते हैं, आप भी समझिएगा और अगर आप इसमें फॉल हो रहे हैं तो आपको भी लग सकता है कि किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। बीइंग ए हायर पेंशनर अगर आपने अप्लाई किया है और आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू बी आर चौहान्स PPO हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन जनवरी 25, 2018, यानी बी आर चौहान जी जो है उनके PPO के हिसाब से वो जनवरी 25 को 2018 में रिटायर्ड हुए थे। ही हैज़ ए पेंशनेबल सर्विस ऑफ 22 years, 2 months and 6 days, अराउंड 8906 days इन्होंने वर्क किया था, यानी अराउंड 22.18 years इन्होंने वर्किंग किए। When the weightage of 2 years available to those completing 20 years of service is added to this, the period of pensionable service becomes 24.18 years, यानी कि जैसा कि रूल है EPFO का, अगर कोई पेंशनर 20 इयर्स कंप्लीट कर लेता है तो 2 इयर्स ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पर इनकी जो सर्विस है वो 22.18 से बढ़कर हो जाएगी, 2 इयर्स हम ऐड कर देते हैं तो 24.18 इयर्स, यानी कि 24 इयर्स 18, करीबन 24 साल हो जाते हैं। अब आगे लिखा है थोंग ही ड्यू ए सैलरी ऑफ ₹77,825 एट रिटायरमेंट, इट डिक्रीज टू ₹66,999 व्हेन द एवरेज सैलरी ऑफ 16 मंथ्स वाज कंसीडर्ड फॉर पेंशन कैलकुलेशन। तो यहाँ पर लिखा है जिनकी जो लास्ट सैलरी थी वो थी करीबन 77,825 एट रिटायरमेंट, लेकिन जो 16 मंथ्स का एवरेज लेते हैं तब उनकी सैलरी जो गई है पेंशनेबल सैलरी वो 66,999। अब आगे लिखा है अकॉर्डिंगली ही वॉज ड्यू टू रिसीव ₹24,14143 एज अ मंथली पेंशन अकॉर्डिंग टू 66,999 इनटू 24.18 इयर्स डिवाइडेड बाय 70, जो EPF कैलकुलेशन पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, यानी कि मंथली पेंशनेबल एवरेज सैलरी into number of years of service divided by 70. Since he had more than 15 years of service before November 16, 1995, when the pension scheme EPS was launched, Chauhan is also become an eligible for small sum past service benefit. This way, his pension should have been ₹23,700. Instead, he received only ₹18,6161. यानी कि जो भी कैलकुलेशन फॉर्मूला है और जो मंथली एवरेज सैलरी निकल कर आई है उसके हिसाब से जो इनकी पेंशन बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी करीबन 23,700, इसके बजाय वो निकल कर आई है 18,161। तो ये जो सब्सटेंशियल डिफरेंस है ये यहाँ पर देखने को मिला है इनके PPO में, तो इसी को लेकर इन्होंने जो है इशू रेज किया है, कंसर्न रेज किया है कि ये डिफरेंस कहाँ से आया है, क्या ये कैलकुलेशन एरर है या फिर ये जो है प्रो रेटा बेसिस के ऊपर इन्होंने कैलकुलेशन किया, तो वो अभी तक EPFO ने इसको क्लियर नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू चौहान द पेंशन ही यूज टू ड्रॉ अर्लियर वाज ₹3,239, यानी कि पहले जो BR चौहान जी पेंशन लेते थे नॉर्मल पेंशन वो ₹3,239 थी। टू क्वालिफाई फॉर द हायर पेंशन ही आल्सो रीपेड ₹10,61,771 टू द पेंशन फंड, यानी कि इन्होंने हायर पेंशन लेने के लिए करीबन 10 लाख रुपए
10,61,000 रुपीस इन्होंने रीपे किए हैं ईपीएफओ को, तब जाकर इनको ये हायर पेंशन का बेनिफिट मिला है जो 18,000 ईपीपीओ में इन्होंने दर्शाया ईपीएफओ में, जबकि वो बनना चाहे थे करीबन 23,700 रुपीस। एज पर द प्रोरेटा स्कीम द पेंशन फॉर सर्विस अंटिल August 31, 2014 इज कैलकुलेटेड बेस ऑन द एवरेज सैलरी, फॉर द सर्विस फ्रॉम September 1, 2014 इट इज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज सैलरी ड्रॉन एट रिटायरमेंट। इफ चौहान पेंशन वॉज कैलकुलेटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस द ईपीएफओ शुड हैव क्लेरिफाइड हिज सैलरी अंटिल 2014, हाउएवर द पीपीओ ही रिसीव्ड हैज नॉट प्रोवाइड एनी सच डिटेल्स। तो यहाँ पर ये इन्होंने बताया है कि इन्होंने करीबन 10,61,000 रुपये जमा कराए हैं, पेड किए हैं, उसके बावजूद भी इनको जो पेंशन कैलकुलेट होके आई है पीपीओ में वो 18,161 रुपये ही आई है, जबकि वो होनी चाहिए 23,700 रुपये। तो अब ये इन्होंने प्रोरेटा बेसिस पे कैलकुलेट किया है सितंबर 2014 से पहले, तो उसका कुछ हवाला नहीं दिया है, पीपीओ में कोई डिक्लेरेशन नहीं है, कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रही है सभी पेंशनर के और खास तौर पर जो बीआर चौहान जी है। तो इसके लिए इन्होंने कंसर्न रेज किया है, इशू रेज किया है, तो हो सकता है बहुत सारे और भी ऐसे पेंशनर हो जिनके सामने ये जो है सिचुएशन आ सकती है। तो जैसे जैसे और भी केसेस आएंगे तो हम डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पीपीओ में आ रहा है, और हो सकता है आगे ईपीएफओ ऑफिस वो सब कुछ चीज़ें क्लियर करें कि किस तरह से वो जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं हायर पेंशन का, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई डेटा अवेलेबल नहीं करवाया, तो हो सकता है आगे ये अवेलेबल करवाए। तो जैसा भी होगा हम आपके सामने उसको रखते चले जाएंगे। तो ये एक ऐसा था जो प्रैक्टिकल था, जो लाइव था, अभी हाल ही में आया है सामने न्यूज़ में, तो आपके सामने मैंने रखा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप हायर पेंशन फॉलो करते हैं तो आप भी इसके बारे में कंसर्न होंगे, और आपका भी हो सकता है जल्दी जल्दी इस तरह का पीपीओ रिलीज़ हो। अगर आपको भी रिलीज़ हुआ और आपका भी लगता है कुछ आपको इश्यू है, कंसर्न है आपका, जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने को जो है वीडियो बनाएंगे डिटेल में, ताकि सबके सामने ये चीज़ें आ सके और ईपीएफओ इसके बारे में क्लियरिटी के साथ में चीज़ें सामने रहे, ताकि सब कुछ चीज़ें क्लियर हो। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने मिलने वालों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।